हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इरा। मेरा नाम सारांश महाजन है। आज हम सर्वे का लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट सर्वे लेक्चर नंबर 2। तो जैसे कि हमने कल सर्वे की क्लासिफिकेशन, सर्वे की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और सिलेबस को डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। आज का पहला टॉपिक है स्केल ऑफ अ मैप। कि स्केल क्या होता है? स्केल इज अ रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो होगी उसे हम स्केल कहेंगे। और यही हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्केल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1:1000 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 1000 यूनिट ऑन ग्राउंड। मतलब 1 मीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हमारा ये जो स्केल है, जैसे कि ये 1 है और ये हमारा 1000 है, अगर ये हमारा सेम यूनिट में है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये हमारा मीटर में है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, इसे कहेंगे हम स्केल। लेकिन अगर मैं 1 मीटर यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, कितना आएगा ये? ये आएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है। तब हमारा जो न्यूमिनेटर है मैप डिस्टेंस और डिनोमिनेटर है ग्राउंड डिस्टेंस, ये दोनों सेम यूनिट्स में है। तो इस केस में इस स्केल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यानी कि जब भी हमारे स्केल मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस दोनों सेम यूनिट में हो, तो उस केस में हमारा स्केल कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी स्केल की टाइप्स दी हुई हैं। जैसे कि पहले आता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल क्या होता है? लार्ज स्केल होता है अगर हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर के इक्वल है, तो उस केस में हमारा स्केल होगा लार्ज स्केल, ठीक है। अगर हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के इक्वल है, तो उस केस में हमारा स्केल होगा मीडियम स्केल। और अगर हमारा 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 100 मीटर है, तो उस केस में स्मॉल स्केल होगा। और इंजीनियर स्केल को स्पेशल दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जैसे जैसे हमारा ग्राउंड डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड डिस्टेंस है। और ये हमारा क्या है? मैप डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हमारा ग्राउंड डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा स्केल भी छोटा होता जा रहा है। पहले था लार्ज स्केल, तो ग्राउंड डिस्टेंस 10 मीटर, अब ग्राउंड डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, तो स्केल क्या हो गया हमारा? मीडियम स्केल, स्केल छोटा हो गया। फिर 100 मीटर से ज़्यादा हो गया, तो स्केल क्या आ गया हमारा? स्मॉल स्केल। तो ये था हमारा स्केल के बारे में। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने मेजरमेंट की सर्वेइंग में, तो उसमें कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो वो एरर किसकी वजह से आते हैं? एक तो आता है मैप के श्रिंकेज की वजह से, और एक आता है हमारा रॉन्ग मेजरिंग स्केल की वजह से। तो ये दो तरह के एरर्स हैं जो इस चैप्टर में आते हैं। तो सब हम समझते हैं कि एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप क्या चीज है। जैसे कि कोई इंडिया का मैप कंसीडर करते हैं, ठीक है। इंडिया का मैप जब मैन्युफैक्चर हुआ था, तो उसमें जो स्केल था वो स्टैंडर्डाइज किया हुआ था, पूरा मैप स्टैंडर्डाइज किया हुआ था, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो बनाया हुआ था। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद, काफी ज्यादा टाइम पीरियड के बाद, हमें ये नोटिस किया कि वो जो मैप है वो श्रिंक हो गया। अगर मैप श्रिंक हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? तो जो उसके ऊपर लाइंस होंगी, जो मैप की लाइंस होंगी, वो भी श्रिंक हुई होंगी। यानी कि जो मेजरमेंट वो पहले डिनोट कर रहा था, अब वो मेजरमेंट डिनोट नहीं करेगा। यही लिखा हुआ है इसमें कि ड्राइंग शीट्स आर मैप श्रिंक ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा। ओके, तो ऑब्वियसली द लाइंस प्रेजेंट ऑन द मैप विल ऑल्सो श्रिंक। सही है। देयरफॉर द लेंथ मेजर्ड फ्रॉम दिस मैप डू नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट डिस्टेंस। इसलिए जो लेंथ हम मेजर करेंगे उन मैप से, वो करेक्ट डिस्टेंस नहीं डिनोट करेगा। तो इस केस में हम किस तरह से हम उस करेक्ट डिस्टेंस को निकालेंगे? जैसे कि कोई लाइन है 10 मीटर की, ठीक है, मैंने
10 मीटर की लाइन मेजर की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन मैप के श्रिंक होने की वजह से आप ये लाइन डिनोट करिए 9 मीटर की, ठीक है, लिखा हुआ है उसके ऊपर 10 मीटर है लेकिन ये मेजर कर रही है हम 9 मीटर की, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पहले ये श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ेगा। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। अब श्रंक लेंथ क्या होती है, एक्चुअल लेंथ क्या होती है, जो लेंथ रिड्यूस हुई वो श्रंक लेंथ हुई। अब ये कैसे निकालते हैं, ये आपको कंप्लीटली इसके बारे में पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या हुआ, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, अभी के लिए इतना याद रखो। और श्रिंकेज फैक्टर हमेशा हमारा 1 से कम होना चाहिए, श्रिंकेज फैक्टर हमेशा हमारा 1 से कम होना चाहिए। अब मैंने श्रिंकेज फैक्टर निकाल दिया कि किस फैक्टर से हमारा मैप श्रिंक हुआ है। उसके बाद हमने निकालना है करेक्ट लेंथ, कि अब हमने करेक्ट लेंथ निकालनी है, कैसे निकालनी है, जो लेंथ हमने मेजर की वो डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है। अगर हमने सिंपल एरिया के लिए करना है तो मेजर एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने करेक्ट वॉल्यूम निकालनी है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन हमें क्या करना है, मेजर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का होल क्यूब, ठीक है। इसी तरह से एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल आता है, कि अब हमने जो स्केल, मान लो मेरा स्केल आ रहा था 1:10, ठीक है, लेकिन सर्वेइंग में जब मैं सर्वे करने लगा तो मैं गलती से स्केल ले लिया 1:15। ये जो एरर आया रॉन्ग मेजरिंग स्केल की वजह से, इसे कहते हैं हम एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। तो इस केस में हमने करेक्ट लेंथ कैसे निकालनी है, वो निकालने के हम रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ। इसी तरह से मुझे करेक्ट एरिया निकालना है तो रॉन्ग स्केल मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड एरिया। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव इट, ओके। इसी तरह से अगर मुझे करेक्ट वॉल्यूम निकालने हैं तो रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाई करेक्ट स्केल का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वॉल्यूम, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाई करेक्ट स्केल का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वॉल्यूम, तो वो फॉर्मूला लिखा नहीं है तो आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ये जो फॉर्मूले बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई मेंस का एग्जाम दोगे, क्योंकि वहां पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों से पूछे जाएंगे। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि जो पहले 3 चैप्टर्स है मेन चैप्टर वही है, अगर आप उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल कर देते हो तो आप कोई भी एग्जाम अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो उन चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो जैसे कि अब ये टॉपिक हो गया रॉन्ग मेजरिंग स्केल का, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम सोर्सेस ऑफ एरर। बेसिकली कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं सर्वे में, अगर वो मेजरमेंट एक्चुअल लेंथ को नहीं डिनोट कर रहा तो वो हमारा एरर आ रहा है। मतलब अगर कोई लाइन है हमारी 10 मीटर की, अगर हम इसको, हमें पता है ये 10 मीटर की, लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं ये 9 मीटर या 9.5 मीटर की आती है, 9.5 मतलब 9.5 मीटर की आती है, तो चलो 9.5 मीटर, तो 9.5 मीटर की आती है, तो इसका मतलब हमने कुछ एरर किया है इसके अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ एरर आया है। तो वो कौन से एरर होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरर के सोर्सेस क्या है, एरर आता कैसे है। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा नेचुरल एरर, ठीक है। नेचुरल एरर कैसे आएगा, मान लो मैंने कोई मेजरमेंट की, जब स्टैंडर्डाइज की मेजरमेंट तो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब मैं बाद में कभी उसी मेजरमेंट को फिर से करने लगा तो टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी वजह से जो एरर आया टेम्परेचर की वजह से, तो वो नेचुरल एरर हुआ, तो उसको हम नेचुरल एरर कहेंगे। इसी तरह से अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है, अगर मान लो कोई लाइन है, जैसे कि ये लाइन है 10 मीटर की, ठीक है, तो 10 मीटर की लाइन को मैंने मेजर किया हुआ है, हमें पता है कि 10 मीटर की है, लेकिन मैं किसी और स्केल से मेजर करता हूँ तो वो 9.5 मीटर इसे लेंथ को बताता है। तो अब 9.5 मीटर इस लेंथ को बता रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, किसमें है, इंस्ट्रूमेंट में है, तो ये जो एरर आएगा इसे कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर।
तीसरा आता है पर्सनल एरर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल एरर कैसे आता है, इसे हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। जैसे कि हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है सर्वे करते समय, लेकिन अगर आप सुबह से काम कर रहे हो तो शाम को मे बी आप थक जाते हो, आप इतना केयरफुल नहीं रहते हो, आप केयरलेस बन जाते हो। तो उस केयरलेसनेस की वजह से जो एरर आएगा उसे हम पर्सनल एरर कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एरर हमारे हो गए हैं, नेचुरल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड पर्सनल एरर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। सॉरी, ये लाइन इसके ऊपर आ चुकी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में सबसे पहला आता है ब्लंडर और मिस्टेक। इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है, और ये हमारी बुल्स आई है, और हमें कहा जाता है कि इसके ऊपर बुलेट फायर करो। ठीक है, तो अब ब्लंडर मैं किसे कहूंगा, अगर मैंने इसके ऊपर टारगेट करना है लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारी गलती होगी। अब ये मुझे बताओ, अगर मैं इधर टारगेट करूँ, कभी ये टारगेट बुल्स आई के ऊपर टारगेट होगा, कभी ये टारगेट बुल्स आई पे जाके लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा हम बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, सामने दिख रहा है। तो इस मिस्टेक को हम कहते हैं ब्लंडर और मिस्टेक। ठीक है, सेकेंड आता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या हुआ, मान लो मैंने क्या किया, ये बुल साई के ऊपर एम किया लेकिन फिर भी जाके हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे आ रहा है, या जब हमारा टारगेट यहाँ पे लग रहा है, एम मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे लग रहा है या टारगेट यहाँ पे लग रहा है, इसका रीजन क्या है कि वो हमारा टारगेट सही जगह पे नहीं लग रहा। इसका रीजन ये है कि मैं ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर टारगेट कर रहा हूँ लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो टारगेट इधर पहुंच रहा है या इधर पहुंच रहा है, यानी कि मैं अपने तरीके से सही काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहा। तो इस केस में जो इस तरह के एरर होते हैं, इन्हें हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ठीक है, इन सिस्टमेटिक एरर्स को हमें रिमूव करना चाहिए, या रिमूव करना पड़ता है। थर्ड आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, जिसपे हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं। मान लो मैंने इस बुल सॉरी ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते, मतलब कि मान लो ये बुल्स आई है, इसके ऊपर मुझे अटैक करना है। सिस्टमेटिक एरर में क्या था, मैं यहाँ पे अटैक कर रहा था लेकिन हमारी बुलेट जाके फायर हो रही थी यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, अब रैंडम एरर में क्या करता हूँ, मैं ग्रेविटी को कंसीडर करता हूँ, मैं यहाँ पे एम करने के बजाय मैं यहाँ पे एम करता हूँ, और अब मेरी बुलेट जो है वो सही जगह पे फायर होगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, मतलब मैं अब खुद एरर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो सही है। इसे इस तरह के एरर्स को कहते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अब टेक्निकली रैंडम एरर को कैसे डिफाइन किया जाता है, रैंडम एरर आर दोस एरर्स विच वी मेड इन ऑब्जर्वेशन इवन आफ्टर एलिमिनेटिंग सिस्टमेटिक एरर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। मतलब सिस्टमेटिक एरर मैंने रिमूव कर दिया ऑब्जर्वेशन से, उसके बाद मैं रैंडम एरर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन में ताकि मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिले। इस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई बताओ मुझे एन क्या है, यहाँ पे एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये था हमारा सोर्सेस ऑफ एरर और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। अब नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आता है आज की सेशन का, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या हुआ हमारा, प्रिसीजन हुआ हमारा कि किसी भी मेजर क्वांटिटी के कितने क्लोज हैं। मान लो कोई लाइन है, मैं लाइन की ही ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई लाइन है ये 10 मीटर की है। ठीक है, तो 10 मीटर की है, तो मैं जब मेजर करता हूँ, एरर आता है बार बार मेजर करता हूँ, तो कभी मैं 9.8 मेजर कर देता हूँ, फिर मैं 9.9 मेजर कर देता हूँ, तो मैं कितना क्लोज पहुंच रहा हूँ क्वांटिटी की, वो होती है प्रिसीजन। ठीक है, लास्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है हमारी कि इट इज अ रेशियो बिटवीन यूनिट्स ऑफ एरर टू द यूनिट्स ऑफ मेजर क्वांटिटी। अगर कोई लाइन है 10 मीटर की और मैं मेजर करूँ 9 मीटर की, ठीक है, अगर मैं मेजर करूँ 9 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का एरर आ रहा है। तो इस केस में एक्यूरेसी क्या हुई, 1/10, मतलब 1 यूनिट ऑफ एरर इन 10 मीटर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।
कल के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है पहले चैप्टर का, वो हम करेंगे और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एसएससी जेई मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, ये था आज का सेशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल सिविल एरा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।